नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वृक्ष है जिसे आपको अभी दिखा रहा हूँ, इसके संदर्भ में अति विशेष जानकारी देने वाला हूँ। इसके जो गुणधर्म है उसको आप लोग को बताने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में, बहुत ही लाजवाब और ख़ास महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा हुआ वीडियो है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इसी तरह की नए नए वनस्पतियों की नई नई जानकारियाँ हर दिन इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इस खास वृक्ष के औषधि प्रयोग, इसके गुणधर्म। दोस्तों, आप लोग शायद जो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, जंगली गांव देहात के होंगे, वे लोग जानते होंगे, और जो शहर के होंगे या फिर इससे परिचित नहीं हैं वे भी आज इसके बारे में जान जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही कमाल का और विशेष महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, दक्षिण भारत में यह पेड़ पाया जाता है। तो इन सभी राज्यों के लोग इसे जानते होंगे। इस पेड़ में बसंत ऋतु में पुष्प आता है और पुष्प आने के बाद ग्रीष्म ऋतु में आकर के पक जाता है, और जब पक जाता है तो पकने के बाद यह बैंगनी कलर का हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता है। इस पेड़ को अलग अलग भाषाओं में, जैसे अलग अलग क्षेत्र में, राज्य में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। इसका प्रमुख नाम चिरौंजी है और चार का पेड़ है। इसे चिरौंजी, चार पेड़ और खर स्कंद, राजा दन, सन्न कृद, प्याल, चारोली आदि चार पांच ऐसे मुख्य नाम हैं जिनके नाम से यह प्रचलित है और इन्हीं नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः चार का चिरौंजी के पेड़ के नाम से जाना जाता है। तो चार का चिरौंजी इसलिए बोला जाता है दोस्तों, जो अभी आप फल देख रहे हो, इस फल के अंदर एक गुठली निकलता है और वह बहुत ही मजबूत होता है। उसको तोड़ करके, फोड़ करके निकालने पर अंदर में जो मिंगी निकलता है, जिसे ही चिरौंजी कहते हैं। तो इसी चिरौंजी की बदौलत इसका एक नाम चिरौंजी पड़ा है। और चार का फल जो ऊपर में बैंगनी कलर का खाने लायक होता है पकने के बाद, उसे चार कहा जाता है और इस पेड़ को चार का पेड़ कहा जाता है। तो इस तरह से इसके फल बहुत ही स्वादिष्ट और सेहत से युक्त औषधि गुणों से भरा हुआ एक अति शक्तिशाली फल है, जिसे सेवन करने से शरीर के बहुत सारी समस्याओं को इस फल को खाकर ही हल किया जा सकता है। चुटकियों में आसानी से सिर्फ चार फल खा के ही ठीक कर सकते हो। इस चार फल का औषधि प्रयोग होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस चिरौंजी से तेल भी निकाला जाता है, क्योंकि इसमें तेल 50% तक पाया जाता है और इस तेल को चिरौंजी का तेल कहा जाता है। आपने मार्केट में सुना ही होगा चिरौंजी का तेल। तो यह बहुत ही पौष्टिक तेल होता है, यह फल ही एक ज़बरदस्त पौष्टिक का खजाना है। तो आइए जान लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसके अंदर फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम की उच्च मात्रा पाई जाती है। प्राकृतिक नेचुरल तरीके से जो उच्च गुणवत्ता होती है वह इसके अंदर मौजूद होता है। और इस फल के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट पाया जाता है, यानी पूरी तरह से इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस फल का सेवन करने से पाचन संबंधी रोग ठीक होते हैं, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। इस फल के सेवन से घाव और अल्सर का खात्मा होता है, रक्त को शुद्ध करता है, त्वचा की गुणवत्ता को बढ़ाता है। चिरौंजी से चिरौंजी फेस पैक भी बनाया जाता है, जिससे चेहरा धोने का काम। तो इस तरह से हो गए इसके जो मिनरल्स विटामिन के फायदे। अब मैं आप लोगों को जो देसी तरीका है जिसे अपना करके आप इसके चिरौंजी से फायदे ले सकते हो, और इसके किस तरह से खाने पर आपके शरीर में सप्त धातुओं की पुष्टि होगी और आप एक मर्द बन करके जीवन व्यतीत कर सकते हो और हर प्रकार की कमजोरी को सिर्फ इस फल को खा करके दूर कर सकते हो। इस फल की तुलना बादाम से किया गया है। बादाम से कुछ अधिक मात्रा में ही जो गुणवत्ता है वह ज़्यादा है। दोनों में अगर तुलना करें तो बादाम की अपेक्षा इसमें ज़्यादा ताकत पाया जाता है, लेकिन यह साल में एक ही बार मिलता है, इसलिए इसे स्टोर करके आप पूरे वर्ष भर के लिए रख सकते हो। आजकल ग्रामीण अंचल में, आदिवासी क्षेत्र में इसकी भरपूर काम किया जा रहा है। इसको रोज़ हर दिन इकट्ठा करके
वे लोग अपने रोज़गार के लिए एक अच्छे साधन की भांति इसमें लगे हुए हैं और इसकी कार्य कर रहे हैं। इसको तोड़ करके लाते हैं और इसे एक दो दिन अगर पूरी तरह से पका ना हो तो किसी प्लास्टिक में भर करके रख देते हैं, जिससे यह सड़ जाता है और आसानी से इसे पानी में धोकर इसकी गुठली निकाल करके उसे सुखा करके उसे मार्केट में बेच दिया जाता है। मार्केट में इसकी लगभग गुठली की कीमत अभी 130 से 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक जाता है, जो लोगों के लिए अच्छी एक आमदनी का स्रोत भी है। अब इसके जो औषधीय गुण है उसे मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों, तो ध्यान से बने रहें वीडियो में, लास्ट तक देखते रहिए। इसकी जो गोंद आता है, इसके वृक्ष में लासा जिसे बोला जाता है गोंद, उस गोंद को सुखा करके जला करके भस्म किया जाता है और उसको भस्म करके इसकी जो बीज है यानी चिरौंजी है उसके साथ मिला करके पाउडर पेस्ट बना करके घाव में लगाने से किसी भी प्रकार का घाव बहुत जल्द भर जाता है और किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन नहीं होने देता है। अगर इस चार की पेड़ के छाल की बात करें तो इसका छाल सूखी और बलगम खांसी दोनों को समाप्त करता है। इसके लिए इसकी छाल का काढ़ा बना करके पिया जाता है। इसके छाल के और भी बहुत सारे औषधि प्रयोग होते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसकी जो चिरौंजी है, मिंगी है, इसके बीज के अंदर का बीज है, उसके फायदे के बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो इसका तेल निकाला जाता है, पहले भी मैंने बताया है, तेल को किसी भी तरह के जो शरीर में सफ़ेद दाग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, उनमें लगाने से लाभ मिलता है और शरीर की चमक और सुंदरता बढ़ती है। अगर आप इसके बीजों का पाउडर करके इसमें तिल का तेल और लौंग का तेल मिला करके पेस्ट तैयार कर लीजिए और इन पेस्ट को अपने शरीर के उस हिस्से में मालिश कीजिए जिस हिस्से का आपको हड्डी मजबूत करना है, नसों की दर्द को दूर करना है, नसों की कमजोरी को दूर करना है और साइज को बढ़ाना है, तो उस स्थान पे मालिश कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई स्त्री या लड़की उनके वक्ष स्थल में उभार नहीं होता है तो वे लोग तिल का तेल और लौंग का तेल और ये चार चिरौंजी का जो बीज का पाउडर है उसको पेस्ट बना करके यदि अपने वक्ष स्थल में सीने पे उभार पे मालिश करते रहें लगातार 8-10 दिन, तो इससे उनका जो छाती का उभार है, सीने का जो वक्ष स्थल का साइज है, वह बहुत ही अच्छा, सुंदर, सुडौल और आकर्षक और बड़ा बड़ा हो जाता है। यह आजमाया हुआ टेस्टेड प्रयोग है, आप भी करके देख सकते हो। इसी पेस्ट को, चिरौंजी के पाउडर, तिल का तेल और लौंग का तेल, इन तीनों के मिलाए हुए पेस्ट को यदि आप अपने गुप्तांग प्राइवेट पार्ट के जो लिंग है उसमें भी मालिश करते हो तो उसका भी नसों की समस्या दूर हो जाती है और कुछ ही दिनों में उसका विकास होने लगता है और सारी शीघ्र पतन, शिथिलता, नसों की समस्या ये दूर हो करके एक बलिष्ठ और तेज बलशाली बना करके आपको खुश कर देगा। तो इस तरह से इसका भी प्रयोग आप अपने गुप्तांग में कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपकी शारीरिक कमजोरी ज़्यादा है, हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ बनना है, हमेशा मर्द बन के जीना है, चार चार लोगों को चित करना है, 80 साल में भी जवान की तरह रहना है, तो गांठ बांध करके रख लीजिए और याद कर लीजिए इस चार चिरौंजी की गुठली के अंदर जो मिंगी होता है उस बीज को, और इसे कहीं से भी खरीद करके ले आइए या फिर अभी के मौसम में आप जंगली आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के इकट्ठा करके या फिर उनसे खरीद करके ले आइए और किसी कांच के बर्तन में इसे रख लीजिए। गर्मी के मौसम में मिश्री के साथ खाइए, ठंड और बरसात के मौसम में शहद के साथ खाइए। हर दिन 5-5 ग्राम की मात्रा में यदि आप सुबह शाम खाते हो मिंगी के इस चिरौंजी के बीज को, तो निश्चित रूप से आपके शरीर को बलिष्ठ और खूबसूरत होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका चाहे तो आप लड्डू बना करके भी खा सकते हो, वैसे भी इसका बहुत सारे मिठाइयों में, लड्डू में प्रयोग होता है। अगर आप चाहें तो इसे गुड़ के साथ या शहद के साथ लड्डू बना करके रख सकते हो, इसे भी आप साल भर उपयोग कर सकते हो और दूध के साथ सुबह शाम एक एक लड्डू इस चिरौंजी का खाया जाए तो निश्चित रूप से कोई भी दुबला पतला व्यक्ति मोटा हष्ट पुष्ट हो जाता है और उसकी सप्त धातु
पुष्ट होने लगता है कुछ ही दिनों में। तो इस तरह से चार की जो चिरौंजी के फायदे हैं उसे मैंने आपको बता दिया। अगर इस चार की चिरौंजी की जो फायदे हैं उसे लेना चाहते हो तो इसे इकट्ठा करना शुरू कर दो। और पेड़ पौधे वृक्ष को कभी मत काटो, क्योंकि इन्हीं पेड़ पौधों से, इन्हीं वनस्पतियों से हमें हमेशा स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलती रहती है। और हमें भी अधिक से अधिक पेड़ इन जंगलों की रक्षा करनी चाहिए लगा करके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।